नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। बायरेक के 5वें स्थापना दिवस और अनोखे बोरवेल स्कैनर तकनीक के अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे गोरैया की घटती संख्या की और इसके संरक्षण की। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। बायरेक ने पूरे किए स्थापना के 5 साल, दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय अमेरिकी छात्र इंद्राणी ने जीता जूनियर नोबेल पुरस्कार। सिलिकॉन सोलर सेल के लिए उन्नत तकनीकों का विकास, बढ़ाई जाती है उत्पादकता। पानी के स्तर की जांच करने वाला अनोखा बोरवेल स्कैनर किसानों के लिए है उपयोगी। और क्यों विलुप्त होती जा रही है गोरैया, खोज खबर में जानेंगे कैसे कर सकते हैं संरक्षण। देश की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी कि बायरेक की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। हाल ही में बायरेक की स्थापना के 5 साल पूरे होने पर दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश से आए अनेक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। देश के शोधकर्ताओं के अथक प्रयास से भारत आज बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगुवा बन चुका है। नए शोध के अलावा उस ज्ञान को उत्पादों में तब्दील कर भारत रचनात्मकता के दोनों छोरों को संतुष्ट कर रहा है। देश में तकनीकी शोध को प्रोत्साहन देने वाली संस्था बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी BIRAC ने हाल में अपनी स्थापना के 5 साल पूरे किए। इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था इम्पैक्टिंग द बायोटेक इनोवेशन सिस्टम। सम्मेलन की अध्यक्षता विज्ञान, तकनीकी और भूविज्ञान राज्य मंत्री माननीय श्री YS चौधरी ने की। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत और विदेशों के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। BIRAC के कामकाज की सराहना करते हुए श्री YS चौधरी ने कहा कि संगठन के योगदान के जरिए भारत 2020 तक शोध के क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगा। इस मौके पर DBT के सचिव और बायरेक के अध्यक्ष डॉक्टर के विजय राघवन ने समाज की मजबूती के लिए सामाजिक उद्यमों को प्रोत्साहित करने की बायरेक की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अब तक जो स्टिमुलस किया है बायरेक ने, वो सरकार के पैसा से ये दिखाया कि ये हो सकता है, लेकिन अगर स्केल करना हो पूरी देश में और स्केल करना हो सब सेक्टर में, एग्रीकल्चर, हेल्थ में, एनर्जी में, सोसाइटल डेवलपमेंट में, अगर स्केल करना हो सिर्फ सरकार के पैसा से नहीं हो सकती है, वो वेंचर सिस्टम से सपोर्ट भी चाहिए। सरकार के कई नए प्रोग्राम्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नए प्रोग्राम्स हैं और बायरेक की टीम बहुत बढ़िया है, तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बायरेक और बढ़िया करेगी। इस दौरान भारत की 1.3 बिलियन जनता पर असर डालने वाली बायोसाइंस सेक्टर से जुड़े शोधों के लिए कार्य योजना तैयार की गई। स्थापना दिवस समारोह के बाद 21 से 24 मार्च तक ग्रैंड चैलेंज इंडिया की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिसमें BMGF, वेलकम ट्रस्ट, USAID और कई दूसरी प्रमुख संस्थाओं ने हिस्सा लिया। छात्रों में कितनी प्रतिभा छिपी होती है, इस बात को साबित कर दिखाया है भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र इंद्राणी दास ने। 17 साल की इंद्राणी ने जूनियर नोबेल कहे जाने वाले रीजेनेरॉन साइंस टैलेंट सर्च कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है। इंद्राणी का प्रोजेक्ट दिमाग से जुड़ी बीमारी या फिर चोट के लिए इलाज पर आधारित था। इंद्राणी के अलावा भी भारतीय मूल के कई अन्य छात्रों ने इस प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई है। The
भारत की वैज्ञानिक क्षमता समय समय पर साबित होती रही है। एक बार फिर दुनिया ने भारतीय शोधकर्ताओं का लोहा माना है। इस बार देश की प्रतिष्ठा में नया तमगा जोड़ने वालों में हैं इंद्राणी दास, जिन्हें जूनियर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। भारतीय मूल की अमरीकी छात्रा को प्रतिष्ठित रीजेनेरॉन साइंस टैलेंट सर्च कंपटीशन में दिमागी घाव और रोग के इलाज में अहम खोज के लिए 2.5 लाख अमरीकी डॉलर के पुरस्कार से नवाजा गया है। इंद्राणी दास का शोध न्यूरॉन्स के जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के नए तरीके पर आधारित है, जो दिमाग में चोट या दिमाग की बीमारियों से पैदा होती है। I feel shocked. I feel so, so blessed and so lucky. It's not something I'd ever imagined, and I feel blessed. Love science's connection to people. I love how science can be abstract when you're working with it and very intense, but at the same time, it's in the interest of the greater good. इसी प्रतियोगिता में भारतीय मूल के अर्जुन रमानी को 1.5 लाख अमरीकी डॉलर का तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्जुन का शोध ग्राफ सिद्धांत और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के गणितीय नेटवर्क से जुड़ा है। 90,000 अमरीकी डॉलर का पांचवा पुरस्कार भारतीय मूल की अर्चना वर्मा को सौर ऊर्जा पैदा करने वाली खिड़कियों के विकास के लिए दिया गया है, जबकि सातवां स्थान प्राप्त करने वाले प्राथिक नायडू को मानवीय जीनोम्स और कैंसर के अध्ययन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए मिला है। 50,000 अमरीकी डॉलर का नौवां पुरस्कार वृंदा मदन को मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल के लिए 24 यौगिकों के अध्ययन के लिए दिया गया है, जिनमें से 2 यौगिक रोग पैदा करने वाले अवयवों को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा अंतिम 40 उम्मीदवारों में 8 अन्य भारतीय मूल के छात्र शामिल हैं, जिनमें से हर एक को 25,000 अमरीकी डॉलर के पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतिम 40 छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 1700 छात्रों में से चुना गया था। युवा छात्रों के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रीजेनेरॉन साइंस टैलेंट सर्च कंपटीशन को जूनियर नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये पुरस्कार जीतने वाले 12 छात्रों को बाद में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस कीर्तिमान के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में कुछ और नोबेल पुरस्कार भारत की झोली में आएंगे। सौर ऊर्जा की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसकी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सिलिकॉन सोलर सेल को और भी कारगर बनाने और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डीएसटी द्वारा गुरुग्राम में एक प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट में बीएचईएल एएसएससीपी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा विभिन्न तकनीकों पर काम किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के रूप में नवीकृत ऊर्जा की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी तेजी से मांगों को पूरा करने के लिए नई तकनीकियां भी ईजाद हो रही हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसी दिशा में शोध करते हुए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट स्थापित किया गया है। ये देश का इकलौता संस्थान है जहां प्रयोग स्तर पर उद्योगों के लिए सिलिकॉन सोलर सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उच्च क्षमता वाले सिलिकॉन सोलर सेल के विकास में शोधकर्ताओं की टीम नित्य नए आयाम गढ़ रही है। इस बीएचईएल एएससीपी में हम यहाँ पर सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज के नए नए प्रोसेसेस डेवलप करते हैं, जिससे कि सिलिकॉन सोलर सेल्स की एफिशिएंसीज को बढ़ाया जा सके। जो मेन 2 प्रोसेसेस हम यहाँ पर करते हैं, उसमें एक का नाम है हेट्रोजंक्शन, जिसमें कि हम क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पे अमोर्फस सिलिकॉन को डिपॉजिट करके हेट्रोजंक्शन बनाते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं जिसमें कि हम
पी टाइप सिलिकॉन को यूज करते हैं और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जिसको कि एल्यूमिनियम बीएसएफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है उस पर काम करते हैं और उस पर भी हमने नए नए प्रोसेसेस डेवलप किए हैं। इस दिशा में भेल एएसएससीपी ने कई नए उपकरणों का विकास किया है जिसमें नियंत्रित स्थितियों में अमल और क्षार्क के इस्तेमाल से सिलिकॉन वेफर्स तैयार किए गए हैं। BHEL ASSCP में तैयार किए गए उपकरणों में स्क्रीन प्रिंटर, आग जलाने के लिए फर्नेस, प्लेटिंग व्यवस्था और कोरे स्कैन जांच की व्यवस्था शामिल है। टीम ने उच्च क्षमता वाले AIBSF तकनीकी और हेट्रो जंक्शन तकनीक का इस्तेमाल कर उच्च क्षमता वाले सिलिकॉन वेफर्स का विकास किया है। इसमें प्लाज्मा परिष्कृत रासायनिक भाप का इस्तेमाल सिलिकॉन के विशाल क्षेत्र में स्थित वेफर्स में किया जाता है जो साई हेट्रो जंक्शन सोलर सेल उत्पन्न करते हैं। एक लास्ट प्रोसेस है जिसको हम प्रिंटर और फायरिंग फर्नेस बोलते हैं। इसमें हम सोलर सेल को डालते हैं और इसमें कॉन्टैक्ट प्रिंट करते हैं और इसमें हम उसको फायर करते हैं जिससे कि हम बेंचमार्क एफिशिएंट सोलर सेल्स हमने यहाँ पर बनाया है और बनाते हैं। तो इसमें हमने रेडी टू प्रिंट बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से वेफर लिए और उसको हमने प्रिंटिंग करी जिससे कि उसका एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाया हमने फिंगर्स के, और इसमें हमने फायरिंग ऑप्टिमाइज किया जिससे कि उसका सीरीज रेजिस्टेंस या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस घट गया और हमें अच्छे एफिशिएंट सोलर सेल्स मिले। डीएसटी से वित्तीय मदद प्राप्त परियोजना में भेल एएसएससीपी के विशेषज्ञ चांदी और एल्यूमिनियम संपर्कों की प्रिंटिंग बढ़ाने में कामयाब रहे हैं जिनसे उच्च कोटि के बेंचमार्क क्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल बनाए गए हैं। क्षमता बढ़ाने वाली तकनीकी के इस्तेमाल से एएसएससीपी ने सोलर सेल की क्षमता 17% अधिक करने में कामयाबी पाई है। नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में भेल एएसएससीपी को अब तक 1 दर्जन से अधिक पेटेंट अपने नाम कराने का श्रेय हासिल है। यहां से सौर ऊर्जा उत्पादन की नई तकनीक बेंगलुरु इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए स्थानांतरित की जा चुकी है। पानी के घटते स्तर से बोरवेल भी बच नहीं पाए हैं। यही वजह है कि किसानों को सिंचाई के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परेशानी को झेलते हुए कर्नाटक के एक किसान ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे बोरवेल के अंदर पानी के स्तर का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी ये तकनीक कई खूबियों से लैस है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दशकों में बारिश की कमी और पानी के लगातार दोहन की वजह से देश के कई राज्यों में भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है। आम लोगों के अलावा इसका कृषि पर भी सीधा असर पड़ता है। वजह है सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बोरवेल्स का सूख जाना। पानी के स्तर की सही स्थिति ना पता हो पाने के कारण किसान समझ नहीं पाते कि वो बोरवेल में मोटर लगाएं या नहीं। ऐसी ही परेशानी से जूझते हुए बीजापुर कर्नाटक के रहने वाले किसान गिरीश ने कई बार असफल होने के बाद भी इस समस्या का हल निकाल लिया है। गिरीश ने अपनी सूझबूझ से एक बोरवेल स्कैनर विकसित किया है जो एक साथ कई काम करता है। ये कैप्सूल के आकार का 1.5 किलो वजन वाला उपकरण है जो बोरवेल में 600 फीट नीचे तक जा सकता है। माय बोरवेल स्कैनर गो इनसाइड अप टू 1000 फीट डेप्थ दिस इनसाइड वाटर आल्सो दिस वंस अगेन वाटर विल बी रीच दिस विल बी सम सेंसर विल डिटेक्ट द वाटर लेवल एंड वाटर क्वालिटी आल्सो इज टेस्ट इन टीडीएस लेवल and go inside water, some water flowing is there, some water source, river connected water source also is there. This may use the water flow sensor, this 2 axis, this measure the water flow, how much pressure flow is there, and pressure sensor also is there inside. This every feet measure the water pressure.
इस स्कैनर में HD कैमरा, डिजिटल कंपास, तापमान और दबाव को जांचने वाला सेंसर, GPS और LED डिस्प्ले लगाया गया है, जो परिणामों को अच्छी तरह से दिखा सकता है। इन सारी सुविधाओं से लैस ये स्कैनर पानी के दबाव और तापमान की जांच करने के साथ साथ पानी के बहाव की दिशा की भी जानकारी देता है। इसके अलावा इस स्कैनर में ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है जो पानी की प्रकृति और बोरवेल के आसपास की स्थिति को भी बताता है। ऐसे में किसानों को बोरवेल में पंप लगाने की मदद तो मिलती ही है, वो इस बात को भी तय कर पाते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल लगाई जाए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। आज सरोकार में बहस चुनाव सुधार पर। हालांकि ये विषय पुराना है, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव के बाद इससे जुड़े कई नए सवाल उठे हैं। जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। ये एक मिरेकल है कि आज तक सारे 20 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईमानदारी से काम किया, हालांकि हमने तो वोट भी कभी नहीं ली थी। इलेक्शन कमीशन के पास एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की पावर है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ गड़बड़ करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर करने की पावर नहीं है। असल में EVM में नहीं है टेम्परिंग जो है अपोजिशन यूनिटी में हुई है। जनता की जो जनशक्ति है, जो जन उभार है, उसका अपमान मानता हूँ मैं। गहरा के जात पात चले इस चुनाव में, पाखंड झूठ पाप पले इस चुनाव में, बेबस गरीब जाते चले इस चुनाव में। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा TV पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। धरती की चरम स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस बार इसरो की दो टीमें अंटार्कटिक के 36वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा होंगी। अंटार्कटिक में भारत का वैज्ञानिक मिशन एक सालाना कार्यक्रम होता है, जिसे नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च आयोजित करता है। खबरों के मुताबिक इस बार का अभियान भारती और मैत्री के इर्द गिर्द बर्फ पर DGPS गणना स्थापित करने पर केंद्रित होगा। इसकी मदद से उपग्रह से प्राप्त डेटा के आधार पर ग्लेशियर की सरफेस वेलोसिटी और साथ ही साथ बर्फ की समुद्र और धरती पर मोटाई को जांचने में मदद मिलेगी। इसरो की एक टीम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से है, जिसमें दो सदस्य शामिल हैं, जबकि दूसरी टीम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से होगी, जिसमें 4 शोधकर्ता शामिल हैं। कभी सूर्य का नौवा ग्रह माने जाने वाले प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। अब शोधकर्ताओं का एक दल उसे फिर से ग्रह का दर्जा देने की मांग कर रहा है। ये मांग अमेरिका के विभिन्न संस्थाओं के 6 वैज्ञानिकों ने की है। ये वैज्ञानिक ग्रहों की सब क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर प्लूटो को पूरी तरह से ग्रह का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अच्छे भाग्य के लिए पानी में फेंके जाने वाले सिक्के ओमसन नाम के कछुए के लिए दुर्भाग्यशाली बन गए। थाईलैंड में 25 साल का कछुआ खून संक्रमित होने की वजह से दुनिया छोड़ गया। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद इस कछुए के पेट से करीब 5 किलो सिक्के निकाले गए थे। इन सिक्कों को चोनबरी के संरक्षण केंद्र में सैलानी अच्छे भाग्य की कामना के साथ पानी में फेंकते थे और कछुआ उसे भोजन समझकर निगल जाता था। धरती से परे जीव विज्ञान से जुड़े प्रयोग में अंतरिक्ष में भेजे गए दुनिया के पहले आम की कोशिकाएं न सिर्फ सही सलामत हैं, बल्कि उन्होंने नई कोशिकाओं को भी जन्म दिया है।
ये अध्ययन हैनान स्टेट फार्म्स एग्री बिजनेस ग्रुप और साउथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से किया है। आम की कोशिकाओं को चीन के शेंजू 11 अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। धरती का चक्कर लगाते हुए 33 दिनों में इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रखा गया था। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सुनील जायसवाल ने हाल में चेतावनी दी है कि उत्तरी भारत के पर्वतीय इलाकों में पाया जाने वाला रोडोडेंड्रॉन फूल विलुप्त होने के कगार पर है। शोधकर्ताओं के मुताबिक स्थानीय स्तर पर इसे बुरंज के नाम से जाना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का शिकार हो रहा है। ये फूल अपने औषधीय गुणों के कारण स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय है। वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है कि इस फूल में खून का प्रवाह सुधारने, तनाव दूर करने और खून की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण हैं। धार्मिक भावनाओं के अलावा भी नदियां हमारे देश की जिंदगी हैं। नदियों की स्थिति सुधारने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित प्राणियों की संज्ञा दी है। इस फैसले के साथ इन नदियों को वैसे तमाम कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे जो आम इंसानों को मिलते हैं। जानकारों का कहना है कि कोर्ट के इस कदम से नदियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में आसानी होगी। एक समय था जब सुबह की शुरुआत गुरैया की चहचहाट से होती थी। हमारे आस पड़ोस में भी काफी बड़ी संख्या में ये चिड़िया देखने को मिलती थी, लेकिन पेड़ों के कटने और बढ़ते प्रदूषण के कारण धीरे धीरे गुरैया की संख्या कम होने लगी और आज स्थिति ये है कि ये नन्ही चिड़िया की ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। गुरैया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गुरैया दिवस मनाया जाता है और लोगों को गुरैया के संरक्षण को लेकर जागरूक किया जाता है। तो चलिए आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करते हैं गोरैया के संरक्षण की। सूरज की मखमली रोशनी और गौरैयों की चहक, भाग दौड़ की तनाव भरी जिंदगी का सवेरा कुछ इस तरह सुहाना हो तो किसे सुकून महसूस नहीं होगा। कभी वो परिवार का सदस्य हुआ करती थी, अब ज्यादातर तस्वीरों में ही नजर आती हैं। आंकड़े भी इस कड़वी सच्चाई की तस्दीक करते हैं। पिछले 5 सालों में घर घर में नजर आने वाली गौरैयों की तादाद में 50% की कमी आई है। विज्ञान की दुनिया में पैसर डोमेस्टिकस नाम से मशहूर गौरैयां अमूमन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती हैं। एक छोटी सी चिड़िया जिसकी अधिकतम लंबाई महज 6.5 इंच होती है और जिसका वजन 24 से 39.5 ग्राम तक होता है। हल्के भूरे और धूसर रंग की इस चिड़िया के शरीर पर काले, सफेद और भूरे निशान होते हैं। घरेलू चिड़िया का इंसानी बस्तियों के साथ हमेशा से नाता रहा है। शहर हो या गांव, इंसानों की बस्ती के बीच उनके घोंसले पाए जाते रहे हैं। इंसानों के साथ उनके घरेलू रिश्ते की प्राकृतिक वजह है। गौरैया प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का अहम हिस्सा है। कीट पतंगों को अपना आहार बनाकर इंसानी परेशानियों को कम करने वाली नन्ही गौरैया खुद चील और बाजों जैसी बड़ी और मांसाहारी पक्षियों का आहार बन जाती है। कई किस्म के नए पौधों के जन्म में भी गौरैया अहम भूमिका निभाती है। कई छोटे पौधों का वंश विस्तार गौरैयों के जरिए ही होता है। एक समय था जब गौरैया वैश्विक आबादी के लिए परिचय की मोहताज नहीं थी, लेकिन अब IUCN के विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल हो गई है। गौरैयों का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल टावर, जो इन दिनों हर दिशा में देखने को मिल जाएंगे। अध्ययन से पता चला है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें और विकिरण गौरैया जैसी छोटे जंतुओं का तंत्रिका तंत्र नष्ट कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इन नाजुक चिड़ियों की मृत्यु हो जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए
20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है ताकि नन्ही गौरैयों के बारे में जानकारी का विस्तार हो और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में काम हो। सवाल है कि इन छोटी प्यारी चिड़ियाओं को कैसे बचाया जाए। गर्मियों में अपनी बालकनी और बगीचे में अनाज के दाने और पानी का बर्तन रख दें। मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करें। अपने पड़ोस में अधिक से अधिक पेड़ और झाड़ियाँ लगाएं। रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें और जो सक्षम हों वो अपनी बालकनी और बगीचों में इन चिड़ियों के लिए छोटे से आशियाने का तोहफा दे दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।